विंटरफेल में इतनी बड़ी बैटल में नाइट किंग को डिफीट देखकर आई होप हर जीओटी फैंस को अच्छा लगा होगा, खास तौर पर जब ऐसा क्लाइमेक्स सीन जिसका वेट फैंस इतने सालों से करते आ रहे थे। वैसे तो थर्ड एपिसोड की टाइमिंग के हिसाब से काफी बड़ा था, लेकिन इसे जिस तरह से फिल्माया गया इससे समय का तो पता बिल्कुल भी नहीं चला। हालांकि इस एपिसोड को लेकर फैंस में कई तरह के अपने राय हैं, लेकिन हम अपने टॉपिक पर आते हैं और 30 सेकंड के इस प्रीव्यू की बात करें तो हमें काफी डिटेल्स दिखाई देता है कि क्या कुछ होने वाला है एपिसोड 4 में। सबसे पहले हम देखते हैं सर्सी को, जो कि काफी ध्यान से गोल्डन कंपनी की ओर देखती है। अब आपको पता तो होगा ही, सर्सी ने थियोन के अंकल इरोन ग्रेजॉय से एसोस की बेस्ट सॉर्ड आर्मी की मांग की थी, जिसे पाकर सर्सी काफी सेटिस्फाइड दिख रही है, क्योंकि जैसा भी हो उसे तो पता चल ही गया होगा कि विंटरफेल में इतने बड़े बैटल होने के बाद भी वो लोग सरवाइव कर गए थे, तो कहीं ना कहीं गोल्डन कंपनी को देखकर उसे काफी राहत तो मिली होगी। और अब सर्सी तैयारी कर रही है जॉन स्नो और डेनेरियस टारगेरियन से सीधे सीधे फाइट के लिए। इसी सीन में सर्सी के पीछे इरोन ग्रेजॉय भी खड़ा रहता है। अब ये कहना थोड़ा टफ है कि वो आर्मी को देख रहा है या सर्सी के बारे में कुछ सोच रहा है। अब ये भी हो सकता है कि ये दोनों कपल बन चुके हों। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर वापस चलते हैं विंटरफेल में, जहां पर अब काफी सन्नाटा छाया हुआ है, लोगों के चेहरे थोड़े उतरे हुए हैं। ऑफ कोर्स इस बैटल में उन्होंने कई लोगों को खो दिया। इसके बाद डेनेरियस टारगेरियन कहती है, Now we will win the last war. एक्चुअली देखा जाए तो इस बैटल में डेनेरिस टारगेरियन ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई किया है, चाहे बात हो ड्रैगन पर सवारी करने की या स्वॉर्ड उठाने की। उन्होंने इस बैटल में अपना सारा एफर्ट लगा दिया, स्पेशली जोरा मॉर्मेंट के साथ व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ काफी सरवाइव किया। इस बैटल के बीच में जोरा मॉर्मेंट की मौत भी हो जाती है। जैसा कि इस प्रीव्यू में डेनेरिस टारगेरियन ने ये कहा कि यह आखिरी वॉर होगा, जिसका मतलब यह है कि जब वो सर्सी को हरा देगी तो सब पीसफुली रह सकेंगे। लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगर सर्सी वॉर में हारती है तो सेवन किंगडम पर कौन रूल करेगा। आपके हिसाब से कौन होगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलिए इस प्रीव्यू में क्विकली देखते हैं कि किसे किसे दिखाया गया है। डैनी को रेगल ड्रैगन के साथ, तो आर्या को किस करते हुए दिखाया जाता है। अब ये तो शायद आपको पता ही होगा कि कोई और नहीं बल्कि मोस्ट प्रोबेबली जेंडरी होंगे। और इसके बाद बैटल में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार करते हुए दिखाया जाता है। और एक सीन में इरोन ग्रेजॉय ऐसा लग रहा है कि सर्सी को प्रपोज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जॉन और सर डेवोस कहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि ये दोनों सर्सी से बात करने जा रहे हों कि वो वॉर से पीछे हट जाए। और तभी हमें डेनेरियस के नेवल फोर्सेस को दिखाया जाता है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली यारा लीड कर रही हूँ। खैर, अभी तक के स्टोरी से तो यही लगता है कि सर्सी जीओटी की फाइनल विलन है, क्योंकि अब सिर्फ 3 एपिसोड ही बचे हैं, तो शायद 5th एपिसोड में हमें सर्सी से वॉर देखने को मिले और लास्ट एपिसोड में क्लोजिंग करते हुए दिखाया जाए। आप क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा।